हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है टेक्नो मोबाइल मॉगेज। इस फोन मॉगेज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एसोस जेनफोन मैक्स प्रो M2 के कुछ 5 रीजन टू बाय दिस फोन। हाँ, क्योंकि हम सब ये फोन के लिए इतने एक्साइटेड हैं और ये आज फोन लॉन्च हो भी रहा है इंडिया के अंदर, और गाइस इतने सारे लोग इस फोन के लिए एक्साइटेड है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर ये भी वीडियो बनाया जाए कि कुछ 5 रीजन जो हमें इस फोन पे एकदम सॉलिड रीजन मिलते हैं कि इस फोन को हम लोग को बाय कर लेना चाहिए, कुछ ऐसे 5 फीचर्स। तो पूरा वीडियो देखिएगा और जल्दी से लोगों को लाइक कर दीजिए, चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाँ, इसका रीजन टू नॉट बाय भी आएगा, वो कल के आज मैं आप लोगों को अपलोड कर ही दूंगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चालू करने से पहले मैं बता दूं, ये जो फोन है ये अभी लॉन्च होने वाला है, कितने बजे मुझे नहीं पता, बट ये वीडियो तो आपको 10 बजे मिल रहा है, तो मुझे नहीं पता ये कितने बजे मिल रहा है, तो एकदम सुबह सुबह उठो और जल्दी वीडियो बनाना चालू कर दिया है। तो चलिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले रीजन के बारे में यहाँ पे बात करता हूँ, जो एकदम बहुत ही बढ़िया रीजन आप लोगों को निकल के आ जाएगा, जो आपको कोई भी कंपनी 15,000 रुपए के अंदर नहीं देगा, वो है इसका गोरिल्ला ग्लास 6। हाँ गाइस, गोरिल्ला ग्लास 6 आप लोगों को कोई भी, मुझे आज की डेट में इंडिया में दिखा दो, कोई भी आपको गोरिल्ला ग्लास 6 15,000 रुपए के अंदर नहीं देगा, जो हमें एसोस का जेनफोन मैक्स प्रो M2 दे रहा है, जो मुझे बहुत सही बात लगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि ये रीजन कैसा लगता है, क्योंकि मुझे तो भैया गोरिल्ला, और जैसे उनके वीडियो में हमने देखा तो वो दिखा रहे हैं फोन ऐसे पटक रहे हैं, फोन गिरा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा फोन को, तो हो भी सकता है ऐसा है, मगर ऐसा भी हो सकता है जो फोन टूट गया हो, तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने दिखाया हो तो ऐसे फोन को पटक रहे हैं और ऐसा कुछ हो रहा है, तो देखते हैं क्या होता है भाई। गोरिल्ला ग्लास 6 मगर मुझे इस प्राइस में बहुत ही सही लगा है। चलिए सेकंड यहाँ पे रीजन के बारे में बात करता हूं, तो वो आप लोगों भी बहुत खुश हो जाएंगे, वो है दोस्तों इसकी बैटरी। हाँ गाइस, आजकल इंसान को बैटरी तो चाहिए चाहिए है, तो इसमें आपको 5000 mAh की यहाँ पे बैटरी छाप दी है एसोस ने, एंड जो बैटरी है बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आपको इस बार मिलने वाली है, इसमें 2 दिन का बैकअप आपको आराम से मिलेगा, कंपनी ने क्लेम कर दिया है, तो बैटरी इस बार बहुत अच्छी होने वाली है, मगर माइक्रो USB के साथ आएगा, तो ये मुझे सैडली बहुत ही घटिया बात लगी इस जमाने में माइक्रो USB, तो मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। एसोस को टाइप सी केबल का जमाना जो है वापस चालू कर देना चाहिए, मगर हाँ ये जो है कंपनी ने एक बात क्लेम करेगी कि बहुत जल्दी फास्ट चार्जिंग हो जाएगा मोबाइल, मगर है नहीं, तो ये देखा जाएगा उसी में, जब देखते हैं क्या होता है तो आपको जरूर बता ही देंगे। चलिए गाइस, यहाँ पे मैं इस बैटरी के साथ एक और सोने पे सुहागा है, तो मैं आपको बता दूं इसमें आपको स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर मिलता है। हाँ गाइस, स्नैपड्रैगन 660 तो मेरे हिसाब से बहुत ही सही बात है, क्योंकि यार इस प्राइस के अंदर स्नैपड्रैगन 660 एक वैल्यू प्रोवाइड वाला है यार, क्योंकि रियलमी 2 प्रो जो हमें 14,000 में मिलता है उसमें भी हमें यही प्रोसेसर मिल जाता है, जो इसलिए फोन वही लेना चाहते हैं। और हाँ, एक और बात बता दूं, यहाँ पे एक और रीजन आ जाता है, वो है स्टॉक एंड्रॉइड। हाँ गाइस, ये जो कॉम्बिनेशन है ना स्टॉक एंड्रॉइड और स्नैपड्रैगन 660 मुझे बहुत सही लगा, क्योंकि देखिए आपको रियलमी 2 प्रो लोगे जाके तो वहां पे आप लोगों को मिलता है कलर OS, और जो मुझे पता है मेरे भाइयों में 90% लोगों को कलर OS बिल्कुल भी नहीं पसंद, और हाँ सबको स्टॉक एंड्रॉइड पसंद होता है, मुझे खुद स्टॉक एंड्रॉइड पसंद है, मेरे जो MI का Max 2 जो मैं चला रहा हूँ उसमें MI थीम्स आती है, इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एंड्रॉइड की थीम्स लेके रखे हैं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है स्टॉक एंड्रॉइड की थीम, और थीम क्या है उसमें जो कस्टमाइजेशन होती है मतलब बहुत ही एकदम सिंपल होता है, एंड जो भी मतलब फालतू चीजें उसमें नहीं होती, जो बहुत सारे लोगों को पसंद है और बहुत सारे लोगों को कस्टमाइज पसंद होता है, तो ये मुझे बहुत सही लगा कॉम्बिनेशन। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा, मुझे स्टॉक एंड्रॉइड वाला सबसे बेस्ट लगा है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट सीजन के बारे में बात करता हूँ, तो वो आ जाएगा कैमरा, क्योंकि यार पिछले बार का जो एसोस का कैमरा था वो बहुत ही बकवास था, मगर बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया, बट इस बार का जो कैमरा है गाइस, इस बार आप लोगों को डुअल रियर कैमरा देखने मिला, पिछले बार भी था बट तक खास नहीं था, बट इस बार आप लोगों को सोनी का 486 का सेंसर मिला है F1.8 अपर्चर के साथ, एंड जो मेगापिक्सल है वो 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल, जो कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, कुछ कंपनी सिर्फ 2 मेगापिक्सल का देता है जो अच्छे से डेप्थ सेंसिंग नहीं कर पाता, इसमें 5 मेगापिक्सल का मिला है, जो आप लोगों के एजेस जो होते हैं, मेरे जो ऑनर 8X भी है उसमें मेरे जो कान है ये निकल जाते हैं और बाल जो है वो निकल जाते हैं, तो ये एजेस आप लोगों के हेल्प करेगा इसका फोटो लेने अच्छी में। चलिए बात करते हैं यहाँ पर सेल्फी कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर 30 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही सही मुझे लगी इस प्राइस के हिसाब से, बिकॉज हमें जो है ZenFone Max Pro M1 में सिर्फ 5 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती थी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि 5 मेगापिक्सल आज की दुनिया में कुछ नहीं था इंसान का, तो मेरे हिसाब से 30 मेगापिक्सल विथ LED फ्लैश तो मुझे सही लगा है। चलिए यहाँ पे लास्ट फॉल में ये 5th रीजन के बारे में यहाँ पे बात कर लूं, तो वो आ जाएगा इसका प्राइस। हाँ गाइस, देखिए अब प्राइस जो है वो मैं आप लोगों को अपने तरफ से बता रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो बन रहा है सुबह 8 बजे मैं बना रहा हूँ और वीडियो आप लोगों को 10 बजे तक मिल जाना चाहिए, बट अब जो ये फोन होगा ये 12 बजे तक आई थिंक लॉन्च होने वाला है, तो वो प्राइस तो आपको जब पता चली जाएगी, बट मेरे हिसाब से मैं जितना एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ आपको,
इस फोन की जो प्राइस है वो 14,000 रुपये से चालू होती है। मैं मैक्स प्रो के बारे में बात कर रहा हूँ, तो 14,000 रुपये में चालू होती है, तो डेफिनेटली एक वैल्यू प्रोवाइड वाला होगा, किल कर देगा रियलमी यू 2 प्रो को, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होगा। मगर 15-16 हज़ार से चालू हो जाती है तो फिर फोन को मतलब ज्यादा सही नहीं लगेगा मुझे, बट ठीक है चलिए देखते हैं। वो तो आपको सुबह ही हम दिन को बता अभी पता चल ही जाएगा हमें, तो प्राइस आप बस वो कर लीजिएगा। और ये पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, और हाँ कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि आप लोग क्या इस 5 पॉइंट से मेरे खुश हो, मतलब आपको भी लगता है कि हाँ ये पॉइंट बहुत ही अच्छे हैं अरमान भाई, तो बस ये बताना मुझे कमेंट करके। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल कर लो सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है, तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ रीजन टू नॉट बाय भी आएगा, मैं कोई बायस नहीं हूँ भाई।